एक दिन चुटकी चिड़िया उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गई। पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। चुटकी ने सोचा, मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। उसने घास फूस और टीन के इकट्ठे किए। बड़ी मेहनत से एक घोंसला बना लिया। अब चुटकी अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। एक नटखट बंदर भी उसी पेड़ पर आ गया। बंदर पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता, मीठे मीठे फल तोड़कर खाता। चुटकी उसे देखती रहती। एक दिन तेज हवा चली, आसमान में काली घटा छा गई। वर्षा की बूंदें टप टप गिरने लगी। सभी पक्षी अपने घोंसले में बैठकर वर्षा का आनंद ले रही थी। बंदर ने कुछ पत्तों की आड़ में बारिश से बचने की कोशिश की। वह पूरा भीग गया। ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। बंदर की ये हालत देखकर चुटकी चिड़िया बोली, बंदर भाई, सब अपने अपने घर में रहते हैं, तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते? बंदर ने कहा, पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। चिड़िया ने फिर समझाया, प्यारे दोस्त, अपना घर बना लोगे तो सर्दी गर्मी और बरसात से बचे रहोगे। बंदर बोला, मुझे घर बनाना नहीं आता, ये तो बहुत मेहनत का काम है। चुटकी बोली, मैं तो अपनी छोटी सी चोंच से ही टीन के जोड़ जोड़ कर घोंसला बना लेती हूँ। तुम्हारे पास तो मनुष्यों की तरह हाथ पैर हैं, तुम मेहनत से क्यों घबराते हो? बंदर ने उत्तर दिया, चुटकी बहन, एक जगह टिककर रहना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो जहाँ रह लूँ वही मेरा घर। वर्षा थम गई। चिड़िया चीची ची करती दाने की खोज में उड़ गई। बंदर को भूख लगी थी। वह उछल कूद मचाता जामुन के पेड़ पर जा बैठा और मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाने लगा।